मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 57 करोड़ से अधिक की राशि छात्राओं के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। छात्राओं को यह राशि सैनिटरी नैपकिन के लिए दिए गए हैं। इस दौरान सीएम ने सभी बालिकाओं को बधाई देते हुए रक्षा सूत्र बंधवाए। रविंद्र भवन में सीएम मोहन यादव ने एनसीसी और एनएसएस की बालिकाओं से हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सैनिटेशन योजना के तहत बालिकाओं के खातों में 57 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सिंगल क्लिक से 19 लाख से अधिक छात्राओं के खाते में 300 रुपए की राशि डाली गई। साथ ही प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारे राज्य में कोई आपदा नहीं आती है। रानी दुर्गावती का 500वां वर्ष चल रहा है, इसको पाठ्यक्रम में लाने वाले हैं। रानी दुर्गावती ने अकबर सेना को 3 बार हराया था। बाज बहादुर की कब्र खोदने का काम भी रानी दुर्गावती ने किया। उन्होंने कहा कि गीता सीता नाम रखने से कुछ नहीं होगा, उनके पीछे का इतिहास पता होना चाहिए। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के आधार पर सरकार के माध्यम से आप उत्कृष्ट आपको सम्मानित किया गया। लेकिन ये भी ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन अभी 500 साल का इतिहास अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश की धरती वो धरती है, क्योंकि ये रानी दुर्गावती का 500वां वर्ष चल रहा है। हम में से इस मध्य प्रदेश की बेटी जिसने अपने शासन काल में 51 लड़ाई लड़ी, और 51 लड़ाई जैसे आपने सुना खून लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। लेकिन झांसी वाली रानी के अलावा भी 2 रानी मध्य प्रदेश, उसमें से एक रानी दुर्गावती। दुर्गावती की विशेषता ये रही है, हमने सुना अकबर महान बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।